गुना शहर की सिटी कोतवाली अंतर्गत बूढ़े बालाजी निवासी देवीलाल पाल ने एसपी ऑफिस पहुंचकर उसके पड़ोस के रहने वाले लोगों की शिकायत की है, जिसमें कि उसका कहना है कि पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उसके घर में तोड़फोड़ कर दी। यह तोड़फोड़ उस वक्त हुई जब मोहल्ले में डस्टोन कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कि कुछ लोगों ने शराब पीकर उसके घर पर उत्पात मचा डाला और घर में तोड़फोड़ कर डाली है। इसके बाद अब यह लोग उस पर झूठा मुकदमा लगा रहे हैं। इसी को लेकर देवीलाल पाल ने एसपी से शिकायत कर डाली है कि इस मामले में आरोपियों पर कार्यवाही की जाए। मैं आपका देवीलाल पाल कहाँ रहते हैं? बूढ़े बालाजी। ये बताएं क्या समस्या लेके आए हो? क्या समस्या लेके आए हो? जी हम मानने आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं भी हमें और केस हम पे लगवानी फिर रहे हैं। एसपी साहब कहाँ थे मुझे लेके? सुनो क्या मामला क्या है? अरे घर के मेरे मामला है, घर का नाश कर दिया, मेरे पूरे घर में सब फोड़ दिए, मेरे कपड़ा मपड़ा कुछ नहीं पहचान दिए, मेरे बीवी बच्चों ने कपड़ा लेके बढ़ गए घर, मेरे घर के कपड़ा मुझे नहीं जाने पड़ेगा। कब की घटना है जी? रात के 12 बजे की। कब कब हुई थी? 11 तारीख 10 तारीख है। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? सुबह कुछ वक्त अंडरस्टोन हो रहा था, डस्टोन बना रहे थे तो उसका दमान देगा सूखा सूखा केला था, तो वो एक बार उसकी और लड़ाई हो गई थी जब मानने आया था 20 आदमी, जब हमने हाथा जोड़ी कर रहे थे। अब दोबारा से वो ने ऐसा प्लान बनाया, मोड़ा 11 बजे गेहूँ 11:30 बजे गेहूँ निकला के आ रहा था खेत में से, और उसके दरवाजे पे दारू पी रहे थे, ना ही करी तो इसके लिए मारा से मैं ईटा भारा से 60 साल की उम्र वाले आदमी से मुझसे चैट गए। हम डर देते मोहल्ला भाई ने घर में अंदर कर रहे, हम घर अंदर बैठे रहे, अरे ने कपड़ा बाहर चालू कर दिया तो हमारे दो साल के एक बच्ची के मोड़ आ गया, मेरा इतना कना मिट्टी लगी उसके 2 साल के बच्चे के, जाके खोपड़ी पड़ गई, एक बहू के हाथ में लग गई, तो इनने मारे कमरा देना शुरू कर दिया, और 30-35 आदमी थे, ना मालूम उनके से बिन में पड़े के, ना मालूम किससे क्या हुआ। अभी अभी, अभी 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 क्या शिकायत लेके आए? हम शिकायत लेके आए हमसे केस हम पर लगवाने फिर हमने और मानने फिर लेके आ रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई बात नहीं सुनवाई हो रही है। क्या क्या कहा उन्होंने एसपी साहब ने? अभी हमने कहा कि ये तो पुलिस आएगी, पुलिस आई कल तुम्हारे पास कहना।